Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? As you know, we have completed our lesson, India, the land of festivals. Now, we are going to read the exercise of this lesson. Our exercise will start from word power. See it, word power. Complete the following sentences with the help of the words given in the box. Happiness, mosques, 25th December, lights, 15th August, unite, Bapu, Jwai, Gurdwara. Independence Day is celebrated on. People call him and celebrate his birthday as Gandhi Jayanti. Diwali is the festival of. On Eid, Muslims pray together in the. On group parvs, the Sikhs go to the. Christmas is celebrated on. These festivals us and bring and. Language practice. Use the words given in the box and write a paragraph on Holi. Begin like this. Holi is a festival of the Hindus. It is a festival of colors. Celebrate it with joy and fun. People embrace one another on this day. Offer sweets. Put gulal on each other. Let's do draw and color the sense, the scene of any festival which you like most in your notebook. Aziz talaba, ye exercise hai. Isme hame kahan kahan bharna hai? Aaiye dekhte hain. Word power. Word power, lafz ki taqat. Complete the following sentences. इसमें बता रहे हैं कि नीचे जो जुमले आ रहे हैं उनको मुकम्मल करना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. उन अल्फाज की मदद से जो बॉक्स में दिए गए, जो उन अल्फाज की मदद से जो बॉक्स में दिए गए हैं उससे खाली जगहों को भरना है. देखिए वो अल्फाज कौन है. हैप्पीनेस, खुशी. मॉस्क, मस्जिद. 25th दिसंबर, 25 दिसंबर. लाइट्स, रोशनी. 15th अगस्त, 15 अगस्त. यूनाइट, छोड़ना, इकट्ठा करना. गुरुद्वारा, ये इबादतगाह है सिख हजरात का. बापू, ये महात्मा गांधी को लोग कहते थे, लकब कह सकते हैं. जॉय, खुशी. अब इन्हीं से इन्हीं को भरना है. नीचे कुछ जुमले आ रहे हैं उसमें. पहला देखिए, इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त. तो यहां पे क्या भरेंगे? ऑन 15th अगस्त भरेंगे यहां कि यौम आजादी. इंडिपेंडेंस डे, यौम आजादी इज सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है ऑन 15th अगस्त, 15 अगस्त को. दूसरा जुमला है, पीपल कॉल हिम एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज गांधी जयंती. यहां पे क्या भरेंगे बताइए. हेलो, हाँ, यहां क्या भरोगे दूसरे में? पीपल कॉल हिम एंड सेलिब्रेट, यहां जो खाली जगह क्या भरोगे? पीपल कॉल हिम एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज गांधी जयंती. यहां जो बीच में खाली जगह क्या भरोगे यहां? हां, बापू भरोगे. ठीक है, पीपल कॉल हिम बापू, यानी लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे. किसको?
ये गांधी जी को एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज गांधी जयंती और उनकी यौम पैदाइश को गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। तीसरा देखिए दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ क्या भरोगे यहां बोलिए हाँ फेस्टिवल ऑफ क्या भरोगे लाइट्स हाँ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी रोशनी का त्योहार है। ऑन ईद मुस्लिम्स प्रे टुगेदर इन द यहां क्या भरोगे बोलिए हाँ मॉस्क मस्जिदों में एक साथ इबादत करते हैं। ऑन गुरु पर्व द सिक्स गो टू द यहां क्या बनोगे ऑन गुरु पर्व द सिक्स गो टू द पांचवा है जो क्या बनोगे हाँ गुरुद्वारा यानी गुरु पर्व के मौके पर सिख हजरात गुरुद्वारा जाते हैं। गुरु पर्व जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये गुरु पर्व आर द बर्थ डेज ऑफ द सिख गुरु यानी सिख के जितने गुरु हैं उनके बर्थडे को गुरु पर्व कहते हैं और उस दिन सिख हजरात गुरुद्वारा यानी अपनी इबादतगाह जाते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर यहां दिसंबर बनेंगे ठीक है यानी क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस समझ ही रहे हैं किसे कहते हैं बोलिए हाँ ठीक है तो क्रिसमस है ये चलिए देखिए क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर ये 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। दीज फेस्टिवल्स यूनाइट अस एंड ब्रिंग जॉय तो यहां दीज फेस्टिवल्स यहां यूनाइट बनोगे यानी ये त्योहार हमें इकट्ठा करते हैं एंड ब्रिंग जॉय और खुशी लाते हैं एंड हैप्पीनेस और फरहत व इंबिसात लाते हैं खुशी व मसर्रत लाते हैं। अब इसके बाद देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस जबान की मशक इसमें कह रहे हैं यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स यूज द वर्ड्स कह रहे उन अल्फाज को इस्तेमाल करिए गिवन इन द बॉक्स जिनको बॉक्स में दिया गया है एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन होली और होली पर एक पैराग्राफ लिखना है। कह रहे हैं कि बिगिन लाइक दिस और इस तरीके से शुरू करना है या इस तरह शुरू होगा होली इज अ फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज कि होली हिंदुओं का त्योहार है। इट इज अब क्या करोगे यहां पे देखिए इट इज होली इज अ फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज होली हिंदुओं का त्योहार है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स क्या करोगे इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स ये रंगों का त्योहार है क्या है रंगों का त्योहार है। इसके बाद वी सेलिब्रेट इट विथ जॉय एंड फन वी सेलिब्रेट इट विथ जॉय एंड फन हम इसे क्या है मनाते हैं विथ जॉय खुशी एंड फन और तफरीह के तौर पर हम इसे खुशी और तफरीह के साथ मनाते हैं। उसके बाद में क्या है मनाते हैं हाँ पीपल इंप्रेस वन एंड अदर पीपल इंप्रेस वन एंड अदर ऑन दिस डे लोग इस दिन एक दूसरे को गले लगाते हैं पीपल इंप्रेस लोग गले लगाते हैं वन एंड अदर एक दूसरे को ऑन दिस डे दिन दे ऑफर ठीक है दे ऑफर स्वीट्स वे लोग मुहैया करते हैं देते हैं स्वीट्स मिठाइयां एंड पुट गुलाल और गुलाल रखते हैं ऑन ईच अदर एक दूसरे पर गुलाल रखते हैं। तो ये पैराग्राफ का होली के ऊपर अब देखिए लेट्स डू आओ करते हैं ड्रॉ एंड कलर खींचो और रंगो द सीन ऑफ एनी फेस्टिवल किसी भी त्योहार के सीन को एंड विच
यू लाइक मोस्ट, जो आपको ज्यादा पसंद हो। कह रहे हैं कि किसी भी त्यौहार के सीन को खींचिए और कलर कीजिए, जो भी त्यौहार आपको पसंद हो सबसे ज्यादा, इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में। कह रहे हैं अपनी कॉपी में जो त्यौहार आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसका सीन बनाइए और उसे रंगिए। ये एक्सरसाइज थी, ये मुकम्मल हुई एक्सरसाइज। और मीनी इसमें ये होली के ऊपर कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया गया है, उसे आप लोगों को लिख लेना है। और इसमें एक मीनिंग सिर्फ आ रही है हैप्पीनेस, खुशी के माने में, इसे लिख लीजिए। और रोजाना आप लोग एक पैराग्राफ एक पेज राइटिंग बनाने के लिए लिखते रहिए। HAPPINESS हैप्पीनेस, खुशी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।